हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विराट भाई प्रेडिक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त विराट, आप देख रहे हैं विराट प्रेडिक्शन। आज बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के मैच नंबर 9 के बारे में। कौन जीतेगा आज का मैच, आज का जो मुकाबला है कौन जीतेगा। मैच खेला जाएगा पेशावर वर्सेस क्वेटा के बीच में। मैच प्रिव्यू करेंगे, प्रेडिक्शन आपको देंगे, पिच रिपोर्ट, प्रीवियस रिपोर्ट और विनिंग प्रेडिक्शन, सारी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे स्टैट आपको बताए जाएंगे जिससे आप अच्छे से अपना गेम करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। डेली बेस पे अपलोड होने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिल जाया करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9711659549। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप किसी भी मैच की कंफर्म विनिंग रिपोर्ट चाहते हैं, लाइक IPL, CPL, BBL, PSL, ऑल काइंड ऑफ क्रिकेट मैचेस की रिपोर्ट्स हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप लॉस में चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो ये नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए। चलिए वीडियो पे आते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और आपसे करूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप विराट भाई 45 के थ्रू टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो भी आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ के नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले क्वेटा की प्लेइंग 11 पे। तो क्वेटा की प्लेइंग 11 रहेगी जैसन रॉय और मार्टिन गुप्टिल आपको ओपन करते नजर आएंगे। उसके साथ अब्दुल वाहिद, बंगल जई, सरफराज अहमद, उमर अकमल, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज और ओडिन स्मिथ। तो देखा जाए तो 8 नंबर तक इनके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। ओडिन स्मिथ भी अपने गिवन डे पे अच्छे रन कर देते हैं, मोहम्मद नवाज भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो देखा जाए तो बैटिंग तो काफ़ी लंबी है, लेकिन इन फॉर्म बैटर की अगर हम बात करें, जैसन रॉय अभी तक कुछ कर नहीं पाए। मार्टिन गुप्टिल लास्ट मैच में सेंचुरी की थी लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। अब्दुल वाहिद वंगल जी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर किया था इन्होंने, डोमेस्टिक में जो पाकिस्तान लीग का डोमेस्टिक पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है उसमें अच्छा परफॉर्म था, लेकिन PSL में अभी तक कुछ नहीं किया है। सरफराज भी फ्लॉप चल रहे हैं, उमर अकमल ऑलरेडी फ्लॉप चल रहे हैं, इफ्तिकार अहमद अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ओडन इसमें 10 में से एक या दो मैच में रन करता है, सेम नवाज का है कि 10 में से दो या तीन मैच में रन करता है। तो इनफॉर्म बैट्समैन नहीं है क्वेटा के पास, बैटिंग लाइनअप काफ़ी लंबी है लेकिन इनफॉर्म बैट्समैन नहीं है। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग अच्छी है, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ओडन स्मिथ बॉलिंग करा लेते हैं, थोड़े महंगे होते हैं लेकिन करा लेते हैं। क्वेश अहमद अच्छे स्पिनर हैं, मोहम्मद नवाज भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो बस सिर्फ एक ही लूप होल है इनके पास बॉलिंग में, वो है ओडन स्मिथ का, जो कभी कभी बहुत महंगे साबित हो जाते हैं और कभी कभी बहुत अच्छी बॉलिंग कर देते हैं। बाकी चार बॉलर इनके पास ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। अब अगर हम बात करें पेशावर की, तो पेशावर में आपको टॉप ऑर्डर में मिलेंगे मोहम्मद हारिस, साथ में आएंगे बाबर आजम। बाबर आजम क्लासिक बैट्समैन हैं, विकेट को रोक के चलते हैं और ठीक ठाक रन करते हैं। लास्ट मैच में फ्लॉप थे लेकिन उससे पहले मैच में 50 प्लस का स्कोर किया था। मोहम्मद हारिस एग्रेसिव प्लेयर है, तेज खेलता है, साथ ही साथ सैयम अयूब बहुत अच्छा बैट्समैन है। टॉम कॉलर, कैटमोर, राजपक्षा फ्लॉप चल रहा है, कैटमोर यहाँ तक तो इनकी बैटिंग अच्छी है, 1 2 3 4 ये अच्छे फॉर्म में बैट्समैन है, राजपक्षा फ्लॉप चल रहा है। हो सकता है कि आज राजपक्षा को ड्रॉप करके किसी दूसरे बैट्समैन को मौका दिया जाए। अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है, राजपक्षा ऊपर का बैट्समैन है, अगर इसको ओपन कराया जाए या इसको बर्न डाउन भेजा जाए तो ये ज़्यादा अच्छे रन करेगा, ये पांचवें नंबर पर आके इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। उसके बाद रमन पाबिल अच्छा बैट्समैन है, जिम्मी नीसम का भी सेम सिस्टम है, जिम्मी नीसम बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बैटिंग से भी करते हैं, जिस दिन इनका दिन होता है अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, वरना एवरेज प्लेयर में काउंट होते हैं। तो देखा जाए तो बैटिंग इनके पास भी ठीक है। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो ये टीम कहीं ना कहीं बॉलिंग में मात खाती है। देखिए बाबर आजम ऑलरेडी काफ़ी एज हो चुकी है तो इतना अच्छा बॉलिंग नहीं करते हैं, 10 में से 2 मैच में अच्छी बॉलिंग करेंगे वरना पिट जाएंगे। खुर्रम शहजाद कोई ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, नया नाम है। उसके साथ सलमान इरशाद भी डोमेस्टिक ही खेले हैं, कोई इंटरनेशनल या बड़े प्लेयर्स के सामने बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो पेशावर जालमी बैटिंग में तो टीम अच्छी है, पेशावर जालमी मात खाती है बॉलिंग में। अगर पेशावर जालमी चेस करने आती है और दूसरी टीम सामने 100 इनकी बॉलिंग को अच्छे से धुलाई करके 200 मार दे, 205 मार दे, तो बड़ा स्कोर हो जाता है। अगर ये अपनी बॉलिंग से सामने वाली टीम को 180 के अंदर रोक लेते हैं तो ये टीम 180 आराम से चेस कर सकती है, ये कैपेबिलिटी इसके अंदर है। चलिए अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में। यहाँ पर जो लास्ट 18 मैचेस में 83% मैच सेकेंड बैट जीती है पिछले साल का PSL, और इस साल के कुछ मैचेस को काउंट किया जाए, इस बार तो मैचेस डिफेंड होते नजर आ रहे हैं। लास्ट ईयर तो मैचेस चेस पे चेस हुए थे, इस ग्राउंड पे 180 भी चेस हो रहा था, 190 भी चेस हो रहा था। बॉलिंग की बात करें लास्ट 10 मैच की, तो लास्ट 10 मैच में देखा गया है कि 69 विकेट पेसर्स ने लिए हैं, 34 विकेट स्पिनर ने लिए हैं, यानी कि इस ग्राउंड पे स्पिनर को इतनी हेल्प नहीं मिलती है, जो हेल्प मिलती है वो फास्ट बॉलिंग को मिलती है। टोटल मैचेस की बात करें तो टोटल
53 मैच खेले गए हैं इस ग्राउंड पे, जिसमें 20 मैचेस फर्स्ट बैट और 33 मैच सेकंड बैट जीती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी सेकंड बैट का ही देखने को मिलता है। 175 का एवरेज स्कोर है, मतलब कि ग्राउंड पे अच्छी बैटिंग होती है, अच्छे रन लगते हैं। 150 से नीचे 12 बार स्कोर गया है। ये स्कोर कब जाता है, या तो जब कोई टीम कोलैप्स कर जाए बहुत जल्दी, या फिर जब एक ही ग्राउंड पे कुछ मैचेस हो जाएं तो जो पिच का बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, पिच यूज हो जाती है, तो वहाँ पर फिर रन थोड़े कम लगते हैं। 150 से 170 10 बार, 170 से 190 14 बार, और 190 से ऊपर देखिएगा 17 बार। ये बहुत कम ग्राउंड पे आपको देखने को मिलेगा कि 190 प्लस से ऊपर इतने बार स्कोर लगता है, तो अच्छी बैटिंग पिच मानी जाती है। हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो दोनों ही टीमें एक दूसरे के सामने 19 बार आई हैं, जिसमें से 11 बार पेशावर और 8 बार क्वेटा ने मुकाबले अपने नाम किए हैं। पहले बैटिंग करते हुए पेशावर 5 बार, क्वेटा 3 बार मुकाबले जीती है। सेकंड बैट करते हुए पेशावर 6 बार और क्वेटा सिर्फ 5 बार मुकाबले जीती है। लास्ट की बात करें तो ये देखिए, लास्ट सब आपको येलो येलो नजर आ रहा है, तो लास्ट के जो 6 मुकाबले हैं वो बैक टू बैक पेशावर ने जीते हैं। उससे पहले लास्ट 4 मुकाबले जो जीती थी वो क्वेटा जीती थी। अब लास्ट 6 मुकाबलों का मतलब है कि लास्ट के 2 से 3 साल के रिकॉर्ड है, क्योंकि एक साल में टीमें आमने सामने 2 बार आती हैं, अगर वो फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंच जाएं तो वो बढ़ जाती है। तो ये 2 से 3 साल से डोमिनेट करती आई है पेशावर कहीं ना कहीं क्वेटा को। अब बात करें दोनों ही की टीम फॉर्म की, देखिए लास्ट 10 मुकाबले जो क्वेटा खेली है उसमें से सिर्फ 4 मुकाबले जीती है, 40% विनिंग परसेंटेज है। 163 का एवरेज स्कोर देखने को मिला है और 207 का हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला है। 110 लोएस्ट स्कोर रहा है क्वेटा का, जो कि अभी इन्होंने बनाया था इसी साल, 110 पे ऑल आउट हो गई थी मुल्तान के सामने। पेशावर की बात करें तो पेशावर जो 10 मैच अपने खेली है उसमें से 6 मैच जीती है, 174 एवरेज स्कोर है, 206 हाईएस्ट स्कोर है, और लोएस्ट स्कोर 140 इन्होंने बनाया है। तो पेशावर की बैटिंग ऐसी है कि अगर ऊपर से भी कॉलर्स कर जाए तो नीचे से कहीं ना कहीं रन आ जाते हैं, और 140-150 तक खींच लेती है पेशावर। देखिए 140 लोएस्ट स्कोर दिखा रहा है पेशावर का, ठीक। और ये जो रिकॉर्ड है ये लास्ट 10 मैच के रिकॉर्ड है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये लास्ट 10 मैच के रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करें हम ऑन वेन्यू जहाँ ये मैच खेला जाएगा, वहाँ पे क्वेटा 10 मैच खेली है, लास्ट 10 मैच का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको। दोनों ही टीमें 10 मैचेस ग्राउंड पे जो लास्ट खेली है उसमें से 4 मैच जीती है क्वेटा, 6 मैच जीती है पेशावर। 174 का जो एवरेज स्कोर है वो है क्वेटा का और 177 का एवरेज स्कोर है पेशावर जालमी का। 207 रन इसी ग्राउंड पे बनाया है क्वेटा ने और 202 रन बनाया है हाईएस्ट इस ग्राउंड पे पेशावर ने। 114 रन का लोएस्ट स्कोर कराची पे है क्वेटा का, और 122 रन का लोएस्ट स्कोर पेशावर का है इस ग्राउंड पे। तो इस ग्राउंड पे भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेशावर के जो स्टैट हैं वो क्वेटा से अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनली विनिंग प्रेडिक्शन के, लेकिन विनिंग प्रेडिक्शन से पहले फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैच नंबर 9 से पीएसएल की वीडियो जो स्टार्ट हो रही है, और टोटल 34 मैचेस होंगे, सारे मैचेस की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, इससे आपको पहले से पता चल जाएगा कौन सी टीम के जीतने के चांसेस जाता है। अब नॉर्मली जो अभी हमने कंपैरिजन किया है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि पेशावर हमेशा डोमिनेट करती है क्वेटा को, लेकिन इस बार क्वेटा ने अपनी बैटिंग को थोड़ा बढ़ाया है, क्वेटा ने अपनी बैटिंग को बढ़ाया है, और इसके अलावा क्वेटा की बॉलिंग भी ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये जो मुकाबला रहेगा ये मुकाबला फिलहाल 50-50 नजर आता है, क्योंकि बैटिंग में तो दोनों टीम ठीक है, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं क्वेटा पेशावर से आगे नजर आती है। फाइनल प्रेडिक्शन मैं आपको बता देता हूँ, इस मैच में जो भी टीम, चाहे वो क्वेटा हो चाहे वो पेशावर हो, टॉस जीतेगी, वो पहले बॉलिंग चुनेगी, वो चेस करना पसंद करेगी, और इस ग्राउंड पे मुझको लगता है कि पेशावर जालमी मैच को विन कर सकती है, पेशावर जालमी मैच को विन कर सकती है। लेकिन फाइनल प्रेडिक्शन आपको मिलेगी हमारे इस नंबर पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कीजिएगा फाइनल प्रेडिक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि अभी ये जो प्रेडिक्शन आपको की जा रही है हमको नहीं पता है कि क्या चेंजेस होंगे, कोई प्लेयर ड्रॉप हो सकता है, कोई नया प्लेयर आ सकता है, टॉस कौन सी टीम जीतेगी, पहले बैटिंग कौन सी करेगी, बाद में बैटिंग कौन सी करेगी, वो अभी पहले से नहीं पता है। तो फाइनल प्रेडिक्शन टॉस के बाद और प्लेइंग 11 के बाद आपको दी जाती है, तो वो मिलती है हमारे व्हाट्सएप पे और हमारे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।